हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। कैसे हैं फ्रेंड्स? देख रहे हैं कितने खूबसूरत इसके जो नए लीव्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं ना। तो मैंने फ्रेंड्स इस प्लांट की बहुत सारी कटिंग लगा दी है। इस प्लांट की किसी और दिन बात करेंगे, आज करेंगे फ्रेंड्स खूबसूरत फूलों वाले प्लांट्स की। तो आइए देखते हैं कौन सा प्लांट है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस खूबसूरत प्लांट की जो कि मैंने सीड से ग्रो किए हैं। ये है मैरीगोल्ड, जिसको गेंदा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा मौसम है ये बहुत अच्छा है मैरीगोल्ड को ग्रो करने के लिए, वो भी सीड से। तो ये इजीली सीडलिंग हो जाती है इस मौसम में। इनके साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता भी चुकी हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मेरे जो पिछले साल के मैंने जो सीड्स कलेक्ट कर रखे थे दो कलर के, वो फ्रेंड्स मैंने इस बार बरसात होते ही डाल दिए हैं। मेरे ये जो प्लांटर हैं आप देख रहे हैं, इनकी दशा ये ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो मेरे पास कोई वेस्ट गमला नहीं था, मैंने इन्हीं में उनकी मिट्टी को थोड़ा पोरस करके डाल दिया था। और बरसात के पानी में तो ये बहुत जल्दी, एक हफ्ता हुआ है अभी इनको डाले फ्रेंड्स, और ये हो गए। और फ्रेंड्स, जब ये 3-4 इंचेस के हो जाएंगे तब मैं इनको, इनकी पौध को निकाल निकाल के जो भी मेरे प्लांटर हैं जहाँ मुझे लगेगा कि लगाने लायक है फ्रेंड्स, मैं वहाँ इनको शिफ्ट कर दूँगी। तो आप भी फ्रेंड्स मैरीगोल्ड लगाना पसंद करते हैं तो आप भी, ये सीज़न अच्छा है, आप फटाफट मैरीगोल्ड की सीड्स अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो कहीं से भी माला ले आइए, धूप में सुखा के डाल दीजिए, इजली हो जाता है। और इसकी जो बीज भी मिलते हैं वैसे तो माला से क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमें किस कलर के फूल चाहिए, तो आप उसी तरीके की माला खरीद लें, क्योंकि गेंदे में भी कई क्वालिटी होती हैं। तो क्वालिटी वाइज आप जैसा पसंद करते हैं अपने गार्डन में लगाना वैसा माला खरीद के लाइए, सुखाइए और अपने गार्डन में डाल दीजिए। बहुत ईजी है मनपसंद फूल पाने के लिए, और ये बहुत ईजीली हो भी जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें देख रहे हैं मैंने 3 फूल कलेक्ट कर रखे थे अपने बड़े बड़े, जो मेरे मनपसंद थे, मैंने उनको सुखा के रख लिया था, और अभी जब बरसात ऑन हुई तो मैंने इन्हें डाल दिया, और अच्छे देख रहे हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में निकल के आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं। बहुत अच्छा मौसम है, मौसम निकल जाएगा तो अभी इसी मौसम में डाल दें, तो जब आपको लगे कि 3-4 इंचेस के हो गए हैं तो आप इनकी पौध निकाल करके और अपने जहाँ आप चाहें वहाँ लगा दें। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कोई ऐसा पोट नहीं है स्पेशल जिसमें मैं गेंदा लगाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे थोड़े से लंबे वाले पौधे हैं जिनके आइट साइड पॉट में जगह खाली रहती है, मैं उनके आसपास इनको लगा देती हूँ, एक एक दो दो पौध। तो फ्लावरिंग के टाइम बड़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है मेरे पूरे टेरेस पे, जगह जगह मैं कहीं ना कहीं इनको लगा देती हूँ पौधों के साथ में, तो जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स। और इनकी 4 इंचेस के बाद में, जब ये 4 इंचेस के हो जाएं, आप इनकी पौध लगा दें, और साथ में ही कोशिश करें 2-4 दिन बाद जब इनकी 1-2 इंचेस और बढ़ जाएं, पौध लग जाए, तो इनकी ऊपर से पिंचिंग कर दें, ब्रांचेस अच्छी निकल के आएंगी और आपको फ्लावर्स भी अच्छे मिलेंगे। तो नवरात आने वाले हैं, इस टाइम डालेंगे तो नवरात में हमें अच्छी खासी फ्लावरिंग देखने को मिलती है इनकी। और जब इनके फ्लावर्स आएंगे तो उनको भी सुखा करके और थोड़ा सा नवरात के महीने में फिर डाल दें आप इनकी सीडलिंग थोड़ी सी, तो वो आगे मार्च तक हमारे रहते हैं हमारे गार्डन में गेंदा। इस तरीके से फ्रेंड्स दो बार आप सीडलिंग कर सकते हैं गेंदे की, एक तो अभी कर दें दिवाली तक फ्लावरिंग अच्छी होगी, और फिर उसके फिर अक्टूबर में डाल दें, तो अक्टूबर में भी जो सीडलिंग करेंगे वो हमें मार्च अप्रैल तक उनके फ्लावर्स देखने को मिलेंगे अपने गार्डन में। इस तरीके से लॉन्ग टाइम तक हम दो बार इनकी सीडलिंग कर सकते हैं समय समय पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक के बगैर बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देख कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।